आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की 3 अगस्त को दलित स्वाभिमान यात्रा होने वाली है। प्रदेश में सभी जिलों में ये यात्रा निकाली जाएगी। दलितों के उत्पीड़न को रोकने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि अगले 10 दिनों में उत्पीड़न रोकने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। ठोस कदम उठाने को सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। ठोस कदम नहीं उठाने पर कांग्रेस 3 अगस्त को दलित स्वाभिमान यात्रा निकालने वाली है। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में ये यात्रा निकाली जा रही है। वहीं अगले 10 दिनों में उत्पीड़न रोकने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। वहीं ठोस कदम उठाने को सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। वहीं ठोस कदम नहीं उठाने पर कांग्रेस दलितों के लिए आंदोलन करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां 3 अगस्त को दलित स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में ये यात्रा निकाली जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर, बीएसपी राष्ट्रीय महासचिव का फिरोजाबाद दौरा। सतीश चंद्र मिश्रा आज फिरोजाबाद आएंगे, ब्राह्मण सम्मेलन में शिरकत करेंगे महासचिव। फिरोजाबाद क्लब में आयोजित होगा कार्यक्रम। बीएसपी राष्ट्रीय महासचिव का फिरोजाबाद दौरा है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा आज फिरोजाबाद आएंगे। वहीं नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर अमित शाह लखनऊ में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को किया नमन, पुण्यतिथि के मौके पर दी श्रद्धांजलि। पेगासस मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, गुरुवार को सीजेआई एनवी रमना की बेंच करेगी सुनवाई। भारत में कोरोना के 41,831 नए मामले, वहीं बीते 24 घंटे में 541 लोगों की हुई मौत। राजधानी दिल्ली में बारिश के चलते कई जगहों पर शुरू हुआ जलभराव। दिल्ली में आज येलो अलर्ट जारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी है। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के संकट काल में दिवंगत पत्रकारों ने अपनी लेखनी चलाकर लोगों को जागरूक कर अपने प्राण की आहुति दी है। सीएम ने कहा कि जिन पत्रकारों ने अपना जीवन कोरोना काल में गंवाया है, उन सभी को मेरी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले 50 पत्रकारों के परिवारों को सीएम योगी आदित्यनाथ 10 लाख रुपए का चेक देंगे। वहीं कोरोना महामारी के कारण साल 2020 में 14 और साल 2021 में 36 पत्रकारों की मौत हुई है। तो आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना के संकट काल में दिवंगत पत्रकारों ने अपनी लेखनी चलाकर लोगों को जागरूक करके अपने प्राणों की आहुति दी है। वहीं सीएम ने कहा कि जिन पत्रकारों ने अपना जीवन कोरोना काल में गंवाया है, उन सभी को मेरी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले 50 पत्रकारों के परिवारों को सीएम योगी आदित्यनाथ 10 लाख रुपए का चेक दिया। और कोरोना महामारी के कारण साल 2020 में 14 और साल 2021 की बात की जाए तो उसमें 36 पत्रकारों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की सुधरते स्थिति को देखते हुए बेसिक माध्यमिक, उच्च प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को टीम 9 की बैठक में यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है।
उत्तर प्रदेश में हर दिन 2.5 लाख से 3 लाख टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.01% तक आ गई। वहीं अब तक 6.5 करोड़ कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान जुड़ चुके हैं। तो शहबाज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सीएम ने प्रदेश में कोरोना की संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बेसिक, माध्यमिक और उच्च प्रावधिक के साथ में व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी के अब निर्देश दे दिए हैं, क्या कुछ कहना है आपका? जी प्रिया, बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से काफी दिनों से जो कोविड की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को बंद करने के आदेश जो है हर राज्य की तरफ से दिए गए थे, लगातार ये आदेश दिया गया था कि जो स्कूल है उनको बंद किया जाए, लेकिन स्थिति जैसे ही संभलती हुई देखी गई उसके बाद जो है वो हर राज्य में स्कूल खोलने के जो है वो आदेश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने भी, योगी सरकार ने भी ये आदेश जो है वो जारी कर दिया है। टीम 9 की बैठक में इसका फैसला लिया गया है कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करते हुए और ये तमाम जो स्कूल है वो उसको खोलने के आदेश दे दिए हैं। अब किस तारीख से खोलेंगे, हालांकि इस पर अभी स्पष्ट राय कोई नहीं बनी है, लेकिन हाँ बहुत जल्द जो है वो यूपी में एक बार फिर से स्कूल खुलेंगे। जी शहबाज, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना का संकट है और दूसरी तरफ इस तरह का जो बड़ा फैसला लिया गया है, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है इसको लेकर? बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरीके से स्कूलों में मास्क और सैनिटाइजर और क्या बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग का पूरी तरीके से विशेष रूप से ध्यान देने के लिए सारे स्कूलों को ये आगाह किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसके लिए शायद नोडल अधिकारी भी एक रखने के निर्देश दिए गए हैं कि एक नोडल अधिकारी हो सकता है रखा जाए जो इन स्कूलों पर विशेष तरीके से नजर रख पाए कि स्कूलों में क्या उस तरह की एसओपी का पालन हो रहा है, जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है स्कूल खोलने के लिए क्या उनका पालन हो रहा है, क्योंकि ऐसा देखा गया था एक आध बार कहीं स्कूल खुले लेकिन वहां पर इन सारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन होता हुआ नहीं दिखा था। हालांकि शुरुआती दिनों में इन सारी चीजों का पालन होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे एकाग करके ये चीजें जो है वो बदल जाती है। इसीलिए हो सकता है कि अब की सरकार द्वारा कोई नोडल अधिकारी जो है वो आयुक्त किया जाएगा और जो इन सारी चीजों पे नजर रखेगा कि स्कूलों में किस तरीके का जो कोरोना की गाइडलाइंस है सरकार की क्या उनका पालन हो, क्योंकि आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो केसेस हैं वो कम हो गए हैं और कई जिले ऐसे हैं जो इस टाइम कोरोना मुक्त भी हैं, तो इसको देखते हुए निरंतर जो स्थिति है कोरोना की उत्तर प्रदेश में उसको देखते हुए ये फैसला जो है यूपी सरकार के द्वारा जो है लिया गया है। बिल्कुल शहबाज, क्योंकि कहीं ना कहीं तीसरी लहर भी करीब आ रही है और ऐसे में बच्चों के स्कूल खोलने का ये जो फैसला लिया गया है वो अपने आप में एक बड़ा फैसला है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई खबरें ऐसी सामने आई हैं जिसमें बड़ी लापरवाही स्कूल वालों की तरफ से देखने को मिली है कि ना तो वहां पर बच्चे, और अगर अभिभावक की बात की जाए, बच्चे अगर भेजते हैं अपने तो वो भी यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरी तरह से हों। जी जी बिल्कुल, कहने गए अगर आपको बताना चाहूंगा कि स्कूल भेजने में बहुत से ऐसे अभिभावक थे जो कतरा रहे थे, क्योंकि शुरुआत में जब स्कूल खोलने के आदेश जो दिए गए थे उसके बाद जो कोरोना के केसेस बढ़ गए थे, बच्चों में संक्रमण पैदा हो गया था, कई कई जगह अचानक से कोरोना विस्फोट होता हुआ देखा था। ये तस्वीर किसी एक राज्य की नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी और अलग अलग स्कूलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, तो कहीं ना कहीं अभिभावक के मन में भी एक डर पैदा था कि क्या कोरोना का जो गाइडलाइंस का जो पालन है क्या वो स्कूल वाले करा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा था कि कोरोना की जब प्रोटोकॉल का जो पालन नहीं हो रहा था स्कूलों में, तो ये एक काफी बहुत डर था अभिभावक के मन में कि क्या कोरोना का पालन होगा। इसीलिए एक नोडल अधिकारी हो सकता है यूपी गवर्नमेंट नियुक्त करे जो इन सारी चीजों पर नजर रखे कि हाँ क्या उन सारी चीजों का पालन हो रहा है, क्योंकि कई स्कूल ऐसे हैं जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते नजर नहीं आए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है कि यूपी के सभी स्कूलों को अब खोल दिया जाए, और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से कोविड-19 है और ऐसे में अभिभावक जो है बच्चों के उनमें भी कहीं ना कहीं कतरा रहे थे, जिस तरह से तीसरी लहर भी आने वाली है और ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना एक बड़ी बात है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हर दिन 2.5 लाख से 3 लाख टेस्ट हो रहे हैं और अगर पॉजिटिविटी दर की बात की जाए तो 0.01% तक ये पहुंच चुका है और अब तक 6.5 करोड़ कोविड सैंपल की जांच भी की जा चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, अलीगंज हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब मनकामेश्वर मंदिर भी आतंकियों के निशाने पर है। रजिस्टर डाक से भेजे गए धमकी भरे पत्र में यह कहा गया है कि अगर हाल ही में गिरफ्तार मुजाहिदों को 14 अगस्त की शाम तक
रिहा नहीं किया गया तो मनकामेश्वर मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है और क्राइम ब्रांच मामले की तफ्तीश में जुटा हुआ है। पत्र भेजने वाले ने खुद को जिहाद समर्थक बताया है। इससे पहले शनिवार को राजधानी लखनऊ के प्राचीन हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। वहीं रजिस्टर डाक से शुक्रवार शाम मंदिर परिसर में जब धमकी भरा खत मिला तो वहां हड़कंप मच गया। मंदिर के व्यवस्थापक ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर पुलिस भी तैनात कर दी गई है। उधर मंदिर परिसर में तलाशी अभियान जारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हाल ही में गिरफ्तार मुजाहिदों को न छोड़ने पर ब्लास्ट की धमकी रजिस्ट्रार डाक में दी गई है। तो आपको बता दें कि अलीगंज हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब मनकामेश्वर मंदिर भी आतंकियों के निशाने पर आ गया है। एक बार फिर से बता दें कि रजिस्टर डाक से भेजे गए धमकी भरे पत्र में यह कहा गया है कि अगर हाल ही में गिरफ्तार मुजाहिदों को 14 अगस्त की शाम तक रिहा नहीं किया गया तो मनकामेश्वर मंदिर को भी बम से उड़ा दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, हर तरफ चेकिंग भी की जा रही है। मंदिर जो कार्यालय है उस कार्यालय में एक पत्र आया हुआ है परसों शाम को डाक के द्वारा, उससे हमको भी जानकारी मिली हम लोगों को कि उसमें जिहादियों ने कुछ अपशब्द भाषा प्रयोग करके और ऐसा उन्होंने बताया है कि हमारे जो पकड़े गए हैं दो लोग आतंकवादी उनको छोड़ दिया जाए, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी भाषा का उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया है। लेकिन इसीलिए उसको उस लेटर की जो जानकारी है पुलिस प्रशासन को मंदिर कार्यालय से दी गई, इसे पुलिस बल कल शाम को भी आया था, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, इस समय भी सब कर्मचारी लगे हुए हैं सुरक्षा में तैनात हैं और उससे हम लोग सनातन धर्मी डरने वाले नहीं हैं उनके इन पत्रों से, ना कोई घबराने। एक पत्र जो मुझे सूचना मिली है कि कुछ प्रमुख मंदिरों पर यदि रजिस्टर डाक प्राप्त हुआ है और उसमें पुलिस की टीमें लगी हैं, सारे बिंदुओं की छानबीन की जा रही है, सत्यता की जानकारी की जा रही है। सामान्यतया श्रावण मास चल रहा है, अतिरिक्त सतर्कता व्यवस्था वैसे भी मंदिरों पर रखी जाती है, सामान्य दिनों में भी उपलब्ध है। इस संदर्भ में पूर्ण सतर्कता रखी जा रही है और जो पत्र प्राप्त हुआ है उसके संदर्भ में गहनता से जांच की जा रही है, कई टीमें लगी हैं, जानकारी कर इसमें अग्रिम कार्रवाई। तो आपको बता दें कि अब अलीगंज हनुमान मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर की बात की जाए तो वहां पर भी पुलिस पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और इसके बाद अब मनकामेश्वर मंदिर भी आतंकियों के निशाने पर आ गया है। और आपको बता दें कि रजिस्टर डाक से भेजे गए धमकी भरे पत्र में यह कहा गया है कि अगर हाल ही में गिरफ्तार मुजाहिदों को 14 अगस्त की शाम तक रिहा नहीं किया जाता है तो मनकामेश्वर मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। तो शिवा, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से अलीगंज हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और अब इसके बाद मनकामेश्वर मंदिर भी आतंकियों के निशाने पर आ गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रिया, बीते 3 दिनों में ऐसे कई मंदिर हैं लखनऊ के अंदर जहां पर मंदिरों को उड़ाने की धमकी दी गई है और ये जो पत्र है वो डाक द्वारा मंदिर प्रबंधक और आरएसएस के कार्यालयों पर गया है और उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि बीते दिनों में लखनऊ के अंदर जो अलकायदा से जुड़े जो संदिग्ध आतंकी थे मिनाल अहमद और मिसरुद्दीन, उन दोनों लोगों को छोड़ देने की इस पत्र में जो है वो सिफारिश की गई है और ये कहा गया है कि अगर 14 अगस्त के पहले उन लोगों को नहीं छोड़ा गया तो वो एक एक करके उन मंदिरों को निशाना बनाएंगे और उसमें ब्लास्ट किया जाएगा और साथ ही साथ जो हिंदूवादी नेता से जुड़े जो बड़े लोग हैं उन लोगों को भी मार देने की धमकी दी गई है। पुलिस के पास ये पत्र हाथ लगते ही उन्होंने एक टीम गठित कर दी है जो क्राइम ब्रांच और डीसीपी क्राइम के अंडर में काम कर रही है और ये पत्र किसके द्वारा भेजे गए हैं सभी मामलों में जांच कर रही है पुलिस। लेकिन जो पत्र डाक द्वारा आए गए हैं उसमें नाम जोगेंद्र सिंह का लिखा हुआ है जो नॉर्थ इलाके के मदेगंज का रहने वाला है। हालांकि पुलिस के द्वारा ये इसको क्रॉस चेक किया था तो उस नाम का कोई व्यक्ति वहां पर मिला नहीं था। ये एक लिहाजा कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने ये पत्र लिखा है धमकी भरा पत्र उन लोगों ने किसी एक नाम के शख्स को सिर्फ खाली पॉइंट आउट किया था। अब पुलिस की जांच इस विषय पर तय होगी कि जो डाक द्वारा जो पत्र भेजा गया है उस डाकघर पे सीसीटीवी फुटेजेस, वो किस टाइमिंग पर वो पत्र वहां पर गया और उसकी शिनाख्त करना,
बड़ा ही ये कहा जा सकता है कि पुलिस के लिए एक चुनौती भरा कार्य होगा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में जो मंदिर पर श्रद्धालु आते हैं वो भारी तादाद में आते हैं, और अगर ये धमकी भरा पत्र अगर सही निकला और ये कहा जाएगा कि अगर किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े आदमी ने किसी लिखा है, तो जरूर कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और उसी को देखते हुए पुलिस कमिश्नर लखनऊ के निर्देश में एक टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल शिवा, जिस तरह से ये धमकी भरा पत्र मिला उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरह के इंतजाम मंदिरों में किए गए हैं? देखिए, जैसा कि डीसीपी नॉर्थ देवेश कुमार पांडे का कहना है, चूंकि सावन का महीना चल रहा है, लखनऊ के कई मंदिर हैं, चाहे वो हनुमान मंदिर हो या मनकामेश्वर मंदिर हो या किन्नेश्वर मंदिर हो, सभी जगहों को देखते हुए सबकी सुरक्षा पहले से ही बढ़ा दी गई थी, लेकिन इस धमकी भरे पत्र के बाद से सुरक्षा को जो उसका ये दायरा कहा जाएगा वो और ज्यादा कर दिया गया है, क्योंकि पहले सिविल पुलिस और अब पीएसी को भी वहां पर डिप्लॉय किया गया है, और जो मंदिर के बाहर जो संदिग्ध व्यक्ति होते हैं या जो भिखारी होते हैं, कल उनके खिलाफ भी एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था, उनको क्रॉस चेक किया गया था कि वो जो भिखारी हैं या भिखारी के वेश में जो बैठे हैं वो कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है। तो ये कहा जाएगा कि मंदिर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, वहां के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जो इलाके की निगरानी रखने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण एक पायदान होता है, उसको ठीक करा दिया गया है कि किसी भी तरीके की अगर गतिविधियां दिखे तो उसको मॉनिटरिंग वाला जो व्यक्ति मंदिर के अंदर बैठा हुआ है वो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क में रहे, और शायद अगर उस तरीके की सुविधाएं होंगी, उस तरीके की चीजें होंगी, तो शायद पुलिस का भी रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा जल्दी सही हो सकेगा। तो मंदिर के साथ साथ जो हिंदूवादी नेता है जो उसमें निशाने पर आ सकते हैं, उन सभी की सुरक्षा को पुलिस कमिश्नर की तरफ से बढ़ा दिया गया है। जी कहीं ना कहीं शिवा, इससे लोगों में भी काफी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए, कल से ही ये मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा था, और ये कहा गया था कि लखनऊ के अंदर ये बड़ा धमाका हो सकता है अगर शासन और सरकार ने उस पत्र का अगर बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लिया। इसलिए लोगों के अंदर तो डर है ही है, क्योंकि ये समाचार पत्रों के माध्यम से भी आम जनता तक ये बातें पहुंच चुकी है कि लखनऊ के अगर मंदिर असुरक्षित हैं, अगर इस तरीके की बातें हैं, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु को भी कमी हो सकती है। लेकिन पुलिस की तरफ से कहना है कि उनकी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है, कोई भी श्रद्धालु या किसी भी आम जनमानस को डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके की जो अगर उनको कोशिश एक शिकायत मिलती है या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उनको दिखाया पड़ता है या किसी भी तरीके की गतिविधि होती है, तो पुलिस कंट्रोल रूम को यानी कि 112 को वो संपर्क कर सकते हैं, और पुलिस के माध्यम से उनको हर तरीके की सुविधा और सुरक्षा दी जाएगी। जी बहुत बहुत शिवा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से अभी तक अलीगंज हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, और अब मनकामेश्वर मंदिर भी आतंकियों के निशाने पर आ गया है। आपको बता दें कि रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए धमकी भरे पत्र में यह कहा गया है कि अगर हाल ही में गिरफ्तार मुजाहिदों को 14 अगस्त की शाम तक रिहा नहीं किया जाता है तो मनकामेश्वर मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा। वहीं धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और क्राइम ब्रांच मामले की तफ्तीश भी कर रही है। पत्र भेजने वाले ने खुद को जिहाद समर्थक बताया है, और इससे पहले शनिवार को राजधानी लखनऊ के प्राचीन हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। वही रजिस्टर डाक से शुक्रवार शाम मंदिर परिसर में जब धमकी भरा ये खत मिला तो वहां पर काफी ज्यादा हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मंदिर के व्यवस्थापक ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल को दी, और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई, और उधर मंदिर परिसर में तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हाल ही में गिरफ्तार मुजाहिदों को ना छोड़ने पर ब्लास्ट की धमकी रजिस्ट्रार डाक में दी गई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 32 नए रोगी मिले हैं और किसी भी मरीज की अभी तक मौत नहीं हुई। वहीं संक्रमण में अब तेजी से काबू में आ रहा है और 55 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है, जबकि 20 जिलों में इकाई में मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि 9 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं, इसमें अलीगढ़, अमरोहा, बस्ती, एटा, हाथरस, कासगंज, कौशाम्बी, महोबा, मुरादाबाद और श्रावस्ती शामिल हैं। यूपी में अब सक्रिय केस 712 हैं, और उत्तर प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में इलाज के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में अब तक 6572 पीकू के बेड और आइसोलेशन बेड भी तैयार किए जा चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक्शन में नजर आने लगी है। यही वजह है कि आज गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। वे इस दौरान लखनऊ और मिर्जापुर में 2 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। कहा जा रहा है कि इसी दौरे के साथ अमित शाह यूपी चुनाव का शंखनाद भी करेंगे। अमित शाह लखनऊ के सरोजनी नगर में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास करेंगे। ये देश का सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट होगा। इसमें पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च और ट्रेनिंग भी होगी। यह इंस्टीट्यूट गुजरात की फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी से संबद्ध होगा। वहीं इसमें सेंटर ऑफ
एक्सीलेंस फॉर डीएनए भी होगा, जिसमें जटिल अपराधों की जांच में इस इंस्टीट्यूट की मदद मिलेगी। अमित शाह लखनऊ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं जनसभा में करीब 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अमित शाह के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और लखनऊ के बाद अमित शाह मिर्जापुर जाएंगे। यहाँ वो माँ विंध्यवासिनी के दरबार में दर्शन पूजन के बाद माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास और रोपवे व अन्य विकास योजना का लोकार्पण करेंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। तो शहबाज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का आज यूपी दौरा है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल प्रिया, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह का जो यूपी दौरा है, इसको देखते हुए जो है सुरक्षा व्यवस्था के जो कड़े इंतजाम किए गए हैं, और साथ ही ये बताना चाहूंगा कि वो उनके जो है अभी पहुंचने लखनऊ पहुंचने की जो खबरें हैं वो आ रही हैं कि लखनऊ बहुत जल्द ही पहुंचने वाले हैं, और सीएम योगी जो है वो स्थल पर अपने वो भी पहुँच रहे हैं। तो जिस तरीके से आज फॉरेंसिक वीवी का उद्घाटन करना है लखनऊ में, उसके बाद फिर मिर्जापुर का जो दौरा है, तो ये दौरा जो है वो यूपी चुनाव से पहले काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये लगातार ऐलान कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार यूपी का दौरा करेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये आदेश भी दिया गया है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता से लेकर और हर कोई जिसको भी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी, वो यहाँ आके लगातार चुनावी तैयारियों की समीक्षा करें और लगातार नेताओं से बैठकर और अपने कार्यकर्ताओं से बैठकर वो बैठक करें। तो इसलिए ये जो उनका दौरा है वो कहीं ना कहीं काफी राजनीतिक माना जा रहा है, और साथ ही ये माँ विंध्यवासिनी का जो इन कॉरिडोर का जो उद्घाटन है वो एक अलग मोड़ है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक हवा भी लगती हुई दिखाई दे रही है कि राजनीतिक माना जा रहा है इनका ये दौरा। जी प्रिया, इस तरह से कहा जा रहा है कि इस दौरे के साथ ही अमित शाह यूपी चुनाव का शंखनाद भी करेंगे, क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है बीजेपी के बैठकों की बात करें तो बीजेपी की बैठक में अभी तक कोई बहुत बड़ा नेता नहीं आया था। हालांकि जिनको जिम्मेदारी दी गई है, यूपी का जो प्रभारी बनाया गया है, चाहे वो राधा मोहन की बात कर लें, चाहे बीएल संतोष की बात कर लें, तो वो लोग आए थे, उन्होंने दौरे किए थे, और उसके बाद यूपी में वो होते दिखा जो करीब 4.5 साल से नहीं हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है। लंच पर जाते हैं दोनों, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, और उनकी जो लड़की की शादी होती है वहां पर नहा पहुंचने की वजह से, क्योंकि बहुत ही सादगी भरे अंदाज में जो है ढंग से उनकी शादी हुई थी केशव प्रसाद मौर्य एक लड़के की, वहां पे कोई बहुत बड़े राजनेता नहीं पहुंच पाए थे, जिस वजह से एक इसको मोड़ दिया जा रहा था कि उनको बधाई देने गए। लेकिन इसका कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से जो लंच पार्टी एक रखी गई थी जिसका आयोजन करा गया था, तो उसमें जो है संघ के भी कई बड़े नेता शामिल थे, और साथ ही साथ उसमें बीएल संतोष थे, राधा मोहन, मतलब काफी बड़े बड़े नेता थे, और उनकी मुलाकात कराने के पीछे भी एक बहुत बड़ा एजेंडा माना जा रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है वो ऊपर अंदर खाने, उनको ये पता है कि कहीं ना कहीं दोनों नेताओं में कुछ ना कुछ नाराजगी तो चली रही है, लेकिन उस नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दूर करना चाह रही थी। और उसके बाद अब अमित शाह जो है यूपी का दौरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको शंखनाद माना जा रहा है कि आज से वो यूपी विधानसभा चुनाव की आज से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके दौरे के बाद, तुरंत दौरे के बाद ही जयप्रकाश नड्डा का भी दौरा है, 8 अगस्त या 9 अगस्त के बीच में वो लखनऊ आ सकते हैं। तो लगातार बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जो दौरा है वो कहीं ना कहीं इस बात पे साफ तस्दीक दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियों में अभी से जुड़ गई है, और सारी तैयारियों कहीं ना कहीं किसी तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। शहबाज, अगर इसको विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो क्या लगता है, पिछड़े और ब्राह्मण वोटरों को साथ में साधने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि मिशन यूपी को देखते हुए जिस तरह से अमित शाह का ये दौरा है वो काफी ज्यादा राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और अगर बात की जाए मिर्जापुर मंडल के तहत सोनभद्र और भदोही कई तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर ये ब्राह्मण बहुल माना जाता है, तो क्या लगता है ये मतदाता पूर्वांचल के करीब करीब बात की जाए 1 दर्जन विधानसभा सीटों पर ये प्रभाव रखते हैं?
ब्राह्मण कार्ड खेलने की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं ये जो मिर्जापुर का जो मंडल है वो कहीं ना कहीं वहां पर जो ब्राह्मणों का वर्चस्व देखा जा रहा है, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व वहां पर उस सीटों पर और उसके अगल बगल सीटों पर वहां की जितनी भी विधानसभाएं हैं वहां पर ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है वो काफी मायने रखता है। और ये ऐसा कहा जाता है जिसके ब्राह्मण उसकी सरकार, तो ये नारा जो है वो पूर्वांचल में ऐसी इसीलिए ही दिया जाता है क्योंकि उस तरफ जो जितने भी मिर्जापुर सोनभद्र जिसकी जिनकी आपने बात करी, जिन मंडलों की आपने बात करी, वहां पर ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं संख्या ज्यादा है, वहां पर मेजोरिटी ज्यादा है, तो जिस वजह से ब्राह्मणों को रिझाने के लिए भी ये कदम उठाया गया है। तो बीजेपी जो है वो अपनी जो चाल चलती है वो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए, चुनाव को देखते हुए साधने की कोशिश पूरी तरीके से करती है। और इसी बीच आपको बताना चाहूंगा कि गृहमंत्री अमित शाह जो है वो लखनऊ आगमन कर चुके हैं, लखनऊ आ चुके हैं और उनका जो है स्वागत भी किया जा रहा है। वो अमौसी अड्डे पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनको लेने पहुंचे हुए हैं और इस टाइम उनका स्वागत किया जा रहा है। तो गृहमंत्री अमित शाह का यहाँ पर लखनऊ का आगमन जो है वो काफी कई रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से उनका ये जो दौरा है वो काफी बड़ा दौरा माना जा रहा है और जिस तरीके से ये चुनाव है नजदीक तो ये दौरा काफी अहम हो जाता है प्रिया, क्योंकि देश यूपी की जो राजधानी लखनऊ है उस यहाँ पर यहाँ का दौरा करना और फॉरेंसिक विवि का उद्घाटन करना, शिलान्यास करना, क्योंकि फॉरेंसिक विवि एक बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि मान रही है यूपी सरकार, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हाईकोर्ट्स जो कोर्ट्स हैं और पुलिस है उसका भी काम काफी हल्का हो जाएगा। प्रिया शहबाज, जिस तरह से बताया कि पहुंच चुके हैं अमित शाह लखनऊ में, और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर सुरक्षा की बात करी जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपको बताया गया कि जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन एटीएस से लेकर तमाम जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको तैनात कर दिया गया है और तमाम बड़े अधिकारी जो है वो इस वक्त जो है वो अमित शाह का जो है स्वागत कर रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता, कई दिग्गज नेता जो है वो गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत करने पहुंचे हैं, उनको लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और अमित शाह जो है वो लखनऊ आगमन उनका हो चुका है। तो जिस तरीके से ये जो दौरा है प्रिया वो कहीं ना कहीं काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जो है वो सर पर है और इसको ये दौरा इस दौरे से ही काफी कुछ साधने की कोशिश की जाएगी बीजेपी के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अमित शाह लखनऊ पहुंच चुके हैं और यहां पर बताया जा रहा है कि लखनऊ में वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इस जनसभा में करीब 2000 लोगों की बैठने की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही अमित शाह के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वहीं लखनऊ के बाद अमित शाह मिर्जापुर जाएंगे, यहां में वह मां विंध्यवासिनी के दरबार में दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ रोपवे व अन्य विकास योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। रुक करते अगली खबर की ओर। संसद के मॉनसून सत्र में पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रही हैं। हंगामे के चलते संसद में संभावित 107 घंटों में सिर्फ 18 घंटे ही काम हुआ है और इसी के चलते करदाताओं का करीब 133 करोड़ रुपए बर्बाद हो गया है। ये जानकारी सरकारी सूत्रों ने शनिवार को दी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मॉनसून सत्र 19 जुलाई को शुरू हुआ था और ये 13 अगस्त तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक इस सत्र में अब तक करीब 90 घंटे बर्बाद हुए हैं और अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्यसभा में तय समय में से 21% ही काम हुआ है जबकि लोकसभा में सिर्फ 13% काम हुआ है। वहीं राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए भारतीय मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट और सोमवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण लोगों को गर्मी से राहत तो मिली लेकिन जगह जगह पर पानी भर जाने के कारण समस्या भी खड़ी हो गई है। वहीं पिछले कुछ दिनों से हुई भारी बारिश के कारण कल आईआईटी दिल्ली फ्लाईओवर के नीचे सड़क का एक हिस्सा धंस गया जिससे शनिवार को इलाके में यातायात भी प्रभावित हुआ है। हालांकि इस दौरान किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रैफिक को तुरंत रोक दिया और गड्ढे की ओर गाड़ियों को जाने से भी रोका। वहीं सड़क धंसने के कारण करीब 10 फीट का गड्ढा बन गया और सड़क के नीचे नाला होने के कारण उसमें लगातार पानी बह रहा है।
और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके। तो शहबाज आपसे जानना चाहेंगे मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है। जी बिल्कुल प्रिया, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से दिल्ली में लगातार भारी बारिश के आसार जो हैं वो पहले से ही नजर आ रहे हैं और जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने एक अलर्ट भी जारी कर रखा था कि हो सकता है कि शहर में भारी बारिश की संभावना जो है वो देखी जाए, क्योंकि येलो अलर्ट पर रखा गया है इस टाइम राजधानी को, देश की राजधानी को येलो अलर्ट पर रखा गया है मौसम विभाग की तरफ से। और अभी हाल ही में ये देखा गया था कि दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके थे जो पानी में डूब गए थे और काफी स्थिति जो है वो खराब देखी गई थी, उसमें कई खराब व्यवस्थाएं देखी गई क्योंकि जगह जगह जो है वो पानी का भराव हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है वो दिल्ली की काफी खराब देखी गई। और उसके बाद अब मौसम का जो ये अलर्ट है, ये मौसम विभाग ने काफी दिन पहले ही, अभी एक दो दिन पहले ही ये अलर्ट जारी कर रखा था कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश, लैंडस्लाइडिंग और इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आएंगी, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग जो है को ये हिमाचल प्रदेश से लेकर और भी कई राज्यों में जो है वो देखी जा रही है प्रिया। जिस तरीके से दिल्ली की तस्वीर की अगर बात करें तो दिल्ली में जो जलस्तर है वो यमुना का लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह हथनीकुंड बैराज का जो पानी है जो हरियाणा की तरफ से छोड़ा जाता है वो लगातार फिर छोड़ा जा रहा है। कई लाख क्यूसेक पानी जो है वो कल भी छोड़ा गया था और लगातार 3 से 4 दिन से ये देखा जा रहा है कि कई लाख क्यूसेक पानी जो है वो लगातार हथनीकुंड से वो छोड़ा जा रहा है, जिससे जो यमुना का जो जलस्तर है प्रिया, आपको बताना चाहूंगा जो दिल्ली में यमुना का जलस्तर है वो बढ़ गया है, खतरे के निशान के ऊपर से यमुना बह रही है। इसको देखते हुए भी हालांकि दिल्ली प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और दिल्ली प्रशासन लगातार उन लोगों से ये अपील कर रही है जो यमुना किनारे जिन लोगों ने अपनी बस्ती, अपना आशियाना बसाया हुआ है, वो लगातार उन लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए अपील कर रही है, क्योंकि दिल्ली में भारी बारिश की भी संभावना है। ऐसे में ये भी है कि हो सकता है यमुना खतरे के निशान पर अभी भी है और ये भी हो सकता है कि जो अगल बगल बस्ती बना के रह रहे हैं हो सकता है वहां तक पानी आ जाए, तो ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो जिसके लेकर दिल्ली प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और लगातार जो है वो वहां पर लोगों को सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने के लिए लोगों को वहां पर टीमों को लगा दिया गया है जो नाव से जाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। जैसे कि जो लोग वहां पर बसे हुए हैं उनको वहां से हटा रहे हैं, उनसे ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि अभी ये खबर सामने आ रही है कि अभी लगातार जो है वो वहां से हरियाणा पर जो हथनीकुंड बैराज है वहां से अभी और पानी छोड़े जाने की संभावना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है प्रिया कि अगर पानी इस तरफ दिल्ली की तरफ नहीं छोड़ा जाएगा तो हरियाणा में बद से बदतर हालात हो जाएंगे, क्योंकि लगातार ये देखा जाता है कि कहीं किसी भी राज्य की अगर बात कर ली जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्थिति हो जाती है, कभी नेपाल भी पानी छोड़ता है तो उत्तर प्रदेश के कई इलाके जो है, चाहे वो बहराइच समेत इधर के जो इलाके हैं वहां पे भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसीलिए दूसरे राज्य को बचाने के लिए ये बाढ़ जैसी स्थिति जो होती है वो किसी दूसरे राज्य में पैदा हो जाती है और या तो यूं कह लें नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। तो ये सेम तस्वीर जो है आपको दिल्ली में भी देखने को मिल रही है इस टाइम, और दिल्ली में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी लोगों को ये कहा गया है कि आप अपने सुरक्षित स्थान पर जाएं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजधानी दिल्ली में और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए भारतीय मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट और सोमवार के लिए ऑरेंज अलर्ट को जारी किया। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यह बताया है कि दिल्ली में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस बीच बड़ी खबर, अमित शाह लखनऊ पहुंचे, एक दिन के यूपी दौरे पर है अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत, विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे अमित शाह, 3000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच चुके हैं और एक दिन के यूपी दौरे पर हैं अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं।
बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि एक दिन के यूपी दौरे पर हैं अमित शाह। लखनऊ के बाद अमित शाह मिर्जापुर जाएंगे। स्वागत की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर मौजूद थे, वहीं 3000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर तैनात किए गए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।